हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल रसोई रांगा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बिहार की बहुत ही स्पेशल डिश ठेकुआ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे पर्व त्यौहार में बिहार में ज़रूर बनाया जाता है। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ आधा कटोरी पानी ले लिए हैं, जिसे गैस पर हमने गर्म कर लिया है, और गैस को ऑफ करके हम इसमें एक कटोरी चीनी डाल देते हैं। तो यह हमें आधा किलो आटे का ठेकुआ तैयार करने के लिए ये मेज़रमेंट है। तो देखिए, गैस पर से हमने पानी उतार ली है और चीनी को चम्मच की मदद से हम चीनी को अच्छे से इसे मेल्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने जो आटा लिया है, आटा में हमने आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं, घी में ठेकुआ बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन यहाँ पर हम रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इस तरीके से रिफाइंड ऑयल में भी ठेकुआ बना सकते हैं। और जो चीनी नहीं घुली है, इसे हम चम्मच की मदद से इसे हम अच्छे से घोल लेंगे। तो देखिए, इसी पानी से हमें आटा को गूँथना है। तो ठेकुआ का जो गूँथने के लिए पानी का यूज़ होता है, वो चीनी वाले पानी से ही आटा गूँथा जाता है। अगर आप गुड़ से बना रहे हैं तो गुड़ वाले पानी से ही इसके आटा को गूँथना है। और इसे गूँथने के लिए एकदम धीरे धीरे इसमें पानी डालना है, एक ही बार इसमें पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा आटा और आपका ठेकुआ अच्छा नहीं बन पाएगा। तो देखिए, इसे हम अच्छे से मसल मसल कर इसके आटा को हम तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये आटा भुरभुरा ही रहेगा। इसमें ज़्यादा पानी डालने से ठेकुआ बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, जो कि खाने में अच्छा ही लगता है। तो इसे अच्छा कुरकुरा बनाने के लिए हमें इस तरीके से आटे को अच्छे से मिक्स करना है और इसे हाथों पर मसल मसल कर और इसे अच्छे तरीके से गूँथना है। तो देखिए, इस तरीके से आप देख सक रहे हैं, ये ठेकुआ का ये आटा है। तो इसे हम इसी तरीके से तैयार करेंगे और इसे हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आटा को गूँथ कर हम 10-20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। इसे हम इसी समय इसकी लोई बनाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम पहले सभी आटा को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसे दोनों हाथों में दो लोई बनाना है। तो इस तरीके से हाथों से दबा दबा कर और इसकी लोई को हमें तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर आटा आप देख सक रहे हैं, आटा को हमें एकदम सॉफ्ट नहीं गूँथना, इसे भुरभुरा ही रखना है, लेकिन ये इस तरीके से दबा दबा कर और इसकी लोई बनकर तैयार हो जाती है। और इसे हाथों से बहुत प्रेशर देकर बनाना, नहीं तो ठेकुआ टूट सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम बिना सांचा के ठेकुआ बनाने के लिए सांचा का यूज़ होता है, लेकिन अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप किसी प्लेट के पीछे इस तरीके से दबा दबा कर आप ठेकुआ को बना सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर सांचा का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है कि सबके घर में ठेकुआ का सांचा नहीं हो, लेकिन आप इस तरीके से हाथों से दबा दबा कर और इसे आप बना कर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा हाथों से, और इसे अच्छे से प्रेशर से दबाना है और एकदम चिकना बनाना है, ताकि ये जब हम तले तो ये तेल में जाकर टूटे नहीं। तो देखिए, इस तरीके से हम इसके जो किनारे साइड है, इसको भी हम अच्छे से प्रेस कर दे रहे हैं, ताकि ये किनारे से टूटे नहीं। आप इस तरीके से अगर ठेकुआ बनाएंगे तो आपका ठेकुआ बहुत बढ़िया बनेगा और ये इतना कुरकुरा बनेगा, जो हमने जैसा मेज़रमेंट आपको बताया है, आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका ठेकुआ टूटेगा भी नहीं और बहुत खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो देखिए, इस तरीके से हम हाथों से दबा दबा कर और ठेकुआ तैयार कर लेंगे। तो सारे ठेकुआ को हमें इसी तरीके से दबा कर तैयार कर लेना है, और अगर आप सांचा का यूज़ करते हैं तो बहुत बढ़िया है, उससे बहुत सारे डिज़ाइन वाले सांचा आते हैं, जिससे आप ठेकुआ पर डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। यहाँ हमने
चिकना वाला हाथी से बनाया है। तो देखिए कढ़ाई पर हमने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। आप चाहे तो टोटल आप घी में इसे बना सकते हैं। घी से बना हुआ ठेकुआ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन अगर घी नहीं है तो आप इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, उससे भी ठेकुआ खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने जब तेल गर्म हो गया तब हम इसमें ठेकुआ को डाल दिया और इसे बहुत ही सावधानी से इसे पलटना है। इसे तेज़ हाथों से बिल्कुल ना पलटे, नहीं तो तेल में सारे ठेकुआ टूटकर और आपका तेल भी बर्बाद होगा और ठेकुआ भी नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत हल्के हाथों से इसे पलटना है और इसे एकदम मीडियम या तो लो फ्लेम पर ही बनाएं। इसे बनाने में कुछ टाइम आपको लो फ्लेम पर बनाएंगे तो टाइम तो अधिक लगेगा, लेकिन आपका ठेकुआ बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। और अगर आप हाई फ्लेम पर बनाते हैं तो ऊपर से आपका ठेकुआ तो लाल हो जाएगा लेकिन अंदर कच्चा ही रहेगा। तो इसीलिए आप या तो मीडियम फ्लेम पर या तो लो फ्लेम पर आप इसे बनाएं और इसी तरीके से आप बहुत ही सावधानी से इसे पलटते जाएं और दोनों साइड से इसे अच्छी तरीके से पकने के लिए आप पलटते जाएं और इसे अच्छे से पका लें कि ये अंदर तक पक जाए। तो देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आ चुका है। तो देखिए ये जब गोल्डन कलर का आ जाए तो इसे बस धीरे धीरे एक एक करके निकालते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम सारे ठेकुआ को तेल से निकाल लेते हैं और फिर हम इसमें जो और बाकी है ठेकुआ उसे हम डालकर और इसे भी अच्छी तरीके से हम बना लेंगे। तो एक एक करके इसे बहुत ही सावधानी से इसे डालते जाना है। तो फ्रेंड्स इसे बिहार के में बहुत ही बनाया जाता है। इसे लगभग बिहार में सभी लोगों के घर में ज़रूर ठेकुआ बनता है, चाहे छठ हो चाहे कोई भी पर्व हो, होली हो, ज़रूर आदमी ठेकुआ बनाकर खाते हैं। तो देखिए ये ठेकुआ कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, ये एकदम कुरकुरा बना है। तो ये जो कढ़ाही में ठेकुआ है उसे भी हम बना लेते हैं और इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर ही बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारे सारे ठेकुआ बनकर तैयार हो गए हैं और ये देखने से ही लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा बना है। और यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत अच्छा बना भी है। आप ज़रूर इस तरीके से ठेकुआ बनाएं और इसे आप 15 से 20 दिनों तक आराम से रख कर खा सकते हैं। तो इसे देखिए हम तोड़कर आपको दिखा रहे हैं, ये कितना बढ़िया से टूट जा रहा है। इससे ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही कुरकुरा बना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप ज़रूर ठेकुआ बनाएं और खाएं और हमें ज़रूर कमेंट करें कि आपका ठेकुआ कैसा बना और आप को मेरी वीडियो कैसी लगी। और अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।